अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पीबीआई ऑफिशियल और मैं आदिल हैदर। जिस तरह से आपके लिए नई नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूँ, इस वीडियो को भी आप एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बच्चों का सीज़न चल रहा है, इसका एक पार्ट मैंने बनाया है कि आपने जो है अपने बेबी पैरेट, चाहे कोई से भी हो, मेरे पास अभी फ़िलहाल कॉकटेल है तो मैं कॉकटेल दिखा रहा हूँ, चाहे ग्रे पैरेट हो, चाहे मकाओ हो, चाहे काकाटू हो, येलो रिंग नेक, वाइट रिंग नेक, लोरी हो, कोई भी पैरेट हो, उसको आपने 3-3.5 महीने में सेल्फ पे लाना शुरू कर देना है। सेल्फ पे क्या चीज़ दी जाती है, पहले मैं आपको जैसे कि बता चुका हूँ, भुट्टा देना है आपने, सही है, ये भुट्टा होता है सफ़ेद भुट्टा, ठीक है, ये आराम से ये काट लेते हैं। अगर आपका तोता ये ना भी काट पाए तो भुट्टे के दाने आपने ऐसे निकाल लेने, ठीक है, क्योंकि पीछे से नरम होता है, यहाँ से तोता खा जाएगा, सही है। और दूसरी एक और चीज़ जो बड़ी ताकतवर भी होती है, बहुत अच्छी होती है, ये मिल जाते हैं, ओले कहलाते हैं ये, ठीक है, किसी भी सब्जी वेजिटेबल शॉप पे आपको मिल जाएंगे आराम से। इसके अंदर से ये निकलते हैं चने, ठीक है, ये भी बहुत अच्छे होते हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, इनको डालूंगा और ये खाएंगे, और फिर आगे मैं वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो व्यूअर्स ये देख सकते हैं, मैंने इनको ये ओले, जिसके अंदर छोले निकलते हैं, इनको छोले भी बोलते हैं, वैसे सब वेजिटेबल वाले सब्जी वाले इनको ओले बोलते हैं, आप छीलेंगे तो इसके अंदर से ऐसे छोले निकलेंगे। ये चल रहा है, ये देखे मैंने इनको डाला है और ये कैसे खाना शुरू हो गए, ठीक है। तो ये आप देंगे, वीडियो बनाने का मकसद यही था कि लोग नहीं समझ पाते, तो जब भी हम इसका सेकंड पार्ट भी बनाया और थर्ड पार्ट भी मैं इसको आपको दिखाऊंगा, तो ये खिला के जो है आप इनको सेल्फ पे ला सकते हैं अपने पैरेट को, क्योंकि अक्सर लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं कि यार फर्स्ट टाइम हम दे रहे हैं तो क्या दें क्या ना दें। अच्छा, चना लोबिया वगैरह अगर आप देंगे इनको मिसाल के तौर पे, वो भी मैंने वीडियो में बताया था, जैसे काला चना होता है, सफ़ेद लोबिया, लाल लोबिया, तो कम से कम 14-16 घंटे आप भिगोएंगे, ठीक है। ये देखें, अभी मैं इनको भुट्टा भी डालूँगा, ये भुट्टा भी खाएँगे, ये देखें, ये देख सकते हैं, ये देख, ये खाएँगे, और माशाल्लाह से ये बच्चे जो हैं सेल्फ पे हो गए, चाहे पहाड़ी के हों, चाहे गिरे के हों, जैसे मैंने बताया, किसी भी पैरेट के बच्चे हों, उनको आपने ये चीज़ें देनी है। ये देख सकते हैं माशाल्लाह से, ये भुट्टा भी खा रहे हैं, ये हर चीज़ खा रहे हैं इसी तरह से। और कोशिश ये करिएगा, एक बड़ी परेशानी होती है जब पैरेट सामने होता है ना तो वो खाता नहीं है, तो आपने उसका करना क्या है तरीक़ेकार, कि अपने पैरेट को कहीं पे भी सेपरेट रख देंगे जहां उसको आपकी शक्ल ना नज़र आए, क्योंकि जब तक आप उसे खिला रहे होते हैं तो एक तरह से वो मदर फीड पे होता है, मतलब जो आप उसे खिला रहे होते हैं तो वो मदर फीड पे होता है, तो वो आपको जो है अपनी मम्मा समझ रहा होता है या पप्पा समझ रहा होता है, तो वो जब तक आपको देखता रहेगा वो बोलेगा यार ये मुझे खिलाएगा, मेरा मालिक है या जो भी, वो आपको समझ रहा है। तो तोते को अलग सेपरेट रख दिया करें और फिर आप देखेंगे कि वो ऐसे कुतर के खाना शुरू हो जाएगा, यही उसकी अलामत होती है। और जो है आप ये चीज़ें देंगे तो ये बहुत ताकतवर होता है चना, वैसे ही हॉर्स पावर कहलाता है, तो ये चीज़ें आप फर्स्ट टाइम अपने बेबी पैरेट को देंगे। और तोते को, जो लोगों को परेशानी आ रही थी कि हमारा तोता सामने रखा हुआ है और खा नहीं रहा है, तो ये वीडियो बनाने का मकसद था, आप तोते को सेपरेट कहीं पर रख देंगे, इन मेरे पैरेट में हेजिटेशन नहीं है, लेकिन इनको मैं अलग जो रूम है वहाँ रखता हूँ, तो ये खाना सीखे हैं जल्दी, अगर मैं इनके सामने होता तो ये खाना नहीं सीखते, उससे फिर जो है वो बच्चे एक्सपायर हो जाते हैं। और एक मैं रिक्वेस्ट आपसे बार बार करता हूँ कि लोकल फीड मत दिया करें, सीरियल एग वगैरह मत दिया करें, हालत मजबूरी में दे सकते हैं, वैसे आप लोग जो है सीरियल एग वगैरह इनको ना दिया करें तो बेहतर होता है। तो व्यूअर, जिनको लोकल फीड बिल्कुल भी ना दिया करें वो इनके लिए नुकसानदेह होती है। देखे बाहर वाले जो बना रहे हैं, फीड बना रहे हैं लाखों डॉलर खर्च करके, वो भी तो आपकी तरह से, कोई मेरे पास कभी कंप्लेन आती है, किसी ने सुत्तू दे दिया, किसी ने मकई का आटा दे दिया इनको, किसी ने कुछ दे दिया, तो भाई ऐसी चीज़ें अप्लाई मत करा करें, सही है ना। वो इम्पोर्टेड फीड जो होती है उसमें सारे हर चीज़ की लिए बनी होती है, आँखों पर किस्सा कितना असरअंदाज करेगी, जब ये मिच्योर होगा तो ब्रीडिंग के लिए कितना असरअंदाज करेगी, फैदर के लिए कितना असरअंदाज करेगी, ये बेजबान है, बोल नहीं सकता, अगर इसकी हड्डियों में दर्द होगा ये आपको बता नहीं सकता। तो सेल्फ फीड पे कैसा लाया जाता है मैंने आपको ये बताया, और लोकल फीड ना दें अपने पैरेट को। और मज़ीदी इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को, जो लोग नए हैं, लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि जब भी मैं ऐसी इंफॉर्मेशन वाली वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, फिर अमान अल्लाह।